दीदियों और भाइयों, असल में आप लोग, मैं देखा, मैंने सुबह से बहुत कुछ गुजर चुका है आप लोगों के ऊपर से, तो आप ऐसा समझना है कि ये जो बातचीत है, जैसे एक लेक्चर के बाद में चाय सुट्टा ब्रेक होता है ना, वैसे ही रखेंगे इसको, कहीं भी कुछ भारी नहीं होने देंगे। और एक कन्फेशन करना था मेरे को कि आज से करीब 16 साल पहले मैंने IIT की तैयारी करी थी। 16 साल लग गए आज पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में घुसने में। थैंक यू। अब बचपन से जब मैंने देखा कि मेरे चारों लोग केवल ज्ञान दे रहे हैं और उपदेश सिखा रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई भी आदमी, आम आदमी इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज अचीव कर सकता है वो ज्ञान देने का कर सकता है, उपदेश देने का दे सकता है। तो थैंक यू IIT दिल्ली की पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे वो काम करने का मौका दिया जो काम करने के लिए कोई भी धरती पर पैदा होता है। और आजकल जो ऑनलाइन कई सारे झूठ फैशन में है, तो मैं कुछ एक झूठ से आपको बताता हूँ, जैसे कि 10 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू फर्स्ट इन देयर मॉर्निंग, 12 थिंग्स टू डू एट योर फर्स्ट डेट, 13 थिंग्स नॉट टू डू एट योर फर्स्ट डेट, ब्ला ब्ला ब्ला, 8 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, 9 हैबिट्स ऑफ हाईली अनसक्सेसफुल पीपल। दिक्कत क्या है ना, MBA वाले कॉलेज में बोलने में दूसरी आती है कि MBA वाला जो MBA में पहुंच जाता है वो पहले से बहुत कुछ जान चुका होता है जीवन के बारे में, उसको और कुछ बताना, मतलब जैसे MBA ज्वाइन करते हो उसके एक महीने के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जिन लोगों ने कुछ वर्थवाइल किया है वो सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट थे। देखो तो भला हो, जिस नर्सरी में जब लोग मेरा एडमिशन कराने गए तो जो टीचर थी उसने मेरा मासूम चेहरा देखा और कहा कि दुबे जी कहां से दुर्गा प्रसाद लग रहा है आपको। तो उन्होंने फिर एक हिंदी का लेखक टाइप एक नाम चमका उनको और उन्होंने दिव्य प्रकाश दुबे नाम रख दिया। यहां तक भी ठीक था। असल में दिक्कत क्या होती है, जब आप दिव्य को इंग्लिश में लिखते हो फॉर्म पे तो वो दिव्य हो जाता है, जैसे योग का योगा हो गया, जैसे सिद्धार्थ का सिद्धार्था हो जाता है, जैसे राम का रामा, दशरथा। तो जैसे ही वो दिव्य हुआ, इतने प्रिकॉशन के बावजूद मेरे को स्कूल भर मेरे बहुत सारे दोस्त दिव्य दिव्य कह के चिढ़ाते रहे। अब जो ये मेरा नाम इंग्लिश के चक्कर में बेकार हुआ था, इसका बदला मैं इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता, इसका बदला मैं आज तक निकाल रहा हूं उनसे। जिस स्कूल में पढ़ के पास होता था, उसके स्कूल के बच्चों का जो सबसे बड़ा सपना था वो था किसी सरकारी ऑफिस में क्लर्क हो जाने का, और ऐसा वैसा क्लर्क नहीं, ऐसा क्लर्क जिसकी खूब ऊपरी कमाई होती थी, वो होता है असली क्लर्क। और इधर कॉलोनी में जो हमारे अंकल और आंटी थे, अंकल आंटी का मैं एक मिनट आपको दिखा दूं कि सम एवरेज, जैसे मेरे अंकल आंटी की शक्ल कैसी थी, हो सकता है आपके अंकल आंटी से भी मैच करती हो उनकी शक्ल। तो एक मिनट, अच्छा ओके। तो ये अंकल जो थे, इनकी खास बात ये थी कि इनको सारे कॉलोनी के लड़कों के कैरेक्टर परसेंटाइल याद थे, और आंटी को सारे बच्चों के बोर्ड में जितनी परसेंटेज आई सब याद थी। जैसे कि मेरे 69.3 थे, तो कोई गलती से मम्मी बोल देती थी कि अरे दुबे जी के लड़के के 70% आए, तो करेक्ट कर देती थी, नहीं नहीं भाभी जी 69.3 आए। तो ये तो नहीं कहूंगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेजोरिटी में रहा एक साल बाद। और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लाइफ में 3 चैलेंज होते हैं, बैक पहला, वो भी जिस जैसा आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल में बैक ले लिया, आप इंजीनियरिंग में पढ़ो। सेकेंड होता है ब्रेकअप, और थर्ड होता है प्लेसमेंट, जो कि होता नहीं है, बाकी दोनों चीजें हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है तब, प्यार वगैरह इतना आसान नहीं था आजकल की तरह, व्हाट्सएप और टिंडर वगैरह नहीं था तब, तब लैंडलाइन हुआ करता था, आपको मम्मी की आवाज कौन सी है, बहन की आवाज कौन सी है, और बंदी की आवाज कौन सी है, आपको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं था आसान प्यार है आजकल की तरह, जैसे मार्केट में चल रहा है। एक फेल आता है, जैसे कस्टमर लाइफ साइकिल हो गई, एक स्टूडेंट लाइफ साइकिल हो गई, ऐसे एक लवर्स लाइफ साइकिल होती है। उसमें क्या होता है कि आप एक फेज के बाद गुलजार को कॉपी करते हुए कुछ एक पोएम्स लिखते हो, फूल करती चांसेस आ रहा। तो जैसे गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन कोई पास से गुजरता है तो सिगरेट तो माचिस मार लेता हूँ, बहुत कुछ है मेरे अंदर जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। तो इसी टाइप का आप भी लिखने लगते हो, देखे कि बहुत कुछ है अंदर जिसे लाइफ में स्ट्रगल नहीं बनाने पड़ते हैं। नौकरी वोकरी मेरे बस का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, इन्फिटीसिस जब आराम से नौकरियां दे रही होती हैं फेज में स्टेज पर, तो आप वॉकिंग वगैरह देने चले जाते हो वहां पे 1600-1700 की फीट में, और वो मैंने भी किया दिन भर बैठने के बाद, वहां वो पूछते थे 5 years डाउन द लाइन, अभी इतना बड़ा सवाल था समझ ही नहीं आता, 10 years पे पूछ रहे थे तो पूछो ही नहीं,
और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, मैं सच बोल देता था कि भाई मेरे से होगा नहीं, देख लो अगर उससे काम चला पाओ तो। सच इंटरव्यू के सच और चलने वाले सच दोनों अलग अलग होते हैं। जो इंटरव्यू में चलते हैं सच और जो असली सच होते हैं दोनों अलग होते हैं। ये किसी भी एमबीए वाले को समझ में आ ही चुका होता है कि क्या बोल के लगेगी, ये नहीं बोलना है ये सब आप लोगों को नौकरी। तो अब होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक तरीके का स्टीरियोटाइप है कि जो बीटेक हो वो आईआईटी से हो और एमबीए हो वो आईएम से हो या आईआईटी से हो और उसके बाद असेंबली से भी हो, या फिर जो थर्ड है कि उसके बाद आपने 8-10 साल काम किया फिर एक कॉलेज पे रोमांस पे किताब लिख दी एंड यू आर सॉर्टेड। होता क्या है एमबीए कॉलेज में या किसी बीटेक के कॉलेज में जहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, 2 लाख रुपए साल भर के पैकेज एक्स्ट्रा के लिए आपके जिंदगी के फंडे बदल जाते हैं, है ना। कोई आप सोचते हो कि मैं टेलीकॉम में काम करूंगा एकदम से एफएमसीजी को ज्यादा दे देती है, आप सब कुछ अरे यार कर लेंगे यार चले जाएंगे यार मिर्जा, है ना। घर पे सब लोग खुश थे कि लड़के किताब किताब आ रही, बड़ा आदमी हो गया। अंकल आंटी घर आए, उन्होंने कहा कि भाई दुबे जी हमने तो पहले ही कहा था लड़का कुछ अलग करेगा। असल में कहानियां खत्म नहीं होती, किताब आ गई और कहानियां सुबह कई बार कहानी खत्म होने के बाद शुरू होती है। वो पास है और उन्होंने किताब देखी और कहा कि यार ये तो तुम पढ़ने में कमजोर ही रह गए, तुमने तो किताब हिंदी में लिखी है और तुम तो बीटेक हो सिंधी से एमबीए हो, तुम्हें तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था, उसका मार्केट है और ये और वो। अब उनको अंकल को कैसे समझाता कि जो मैंने पहली लोरी सुनी थी वो मैंने हिंदी में सुनी थी, जो मैंने पहला प्यार किया था वो मैंने हिंदी में किया था और हिंदी मेरे को स्कूल में हिंदी मेरे को मम्मी ने पुचकार के प्यार से सिखाई थी और इंग्लिश मेरे को डंडा मार के मां साहब ने सिखाई थी स्कूल में, तो मैं ये समझा नहीं पाया अंकल।